हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन पनीर और सोयाबीन के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 250 ग्राम्स सोयाबीन लिए हैं। मैंने रात को इन्हें पानी में भिगो के रख दिया था। अब इन्हें हाथ से मसल मसल के, इनके ऊपर एक छिलका होता है, हमें वो छिलका अलग कर देना है दूध बनाने के लिए। ऐसा पतला सा एक छिलका होता है, इसके ऊपर 3 से 4 बार पानी से वॉश करेंगे तो ये छिलका अलग हो जाएगा। हमने पानी से वॉश करके सभी छिलके हटा लिए हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सोयाबीन डाल देंगे। मैं इसे 2 बार में पीस के तैयार करूंगी। आधा सोयाबीन अभी डाल लेते हैं। अब इसमें पानी डाल लेंगे। अब इसे पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने इसे पीस लिया है। अब एक भगोना लेंगे, एक भारी तली वाला भगोना लें। उसके ऊपर मैंने छलनी रखी है। एक सूती कपड़ा लेंगे, इसमें से दूध को छान के अलग करेंगे। हमें इस सोयाबीन को अच्छे से अपने हाथों की सहायता से निचोड़ लेना है ताकि दूध है जो वो सोयाबीन से अलग हो जाए। अच्छे से दबा दबा के सारा दूध अलग कर लेंगे सोयाबीन से। दोबारा से पानी डालेंगे और फिर से अच्छे से इसे निचोड़ लेंगे। अब जो दूध निकालने के बाद ये सोयाबीन बच गया है, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। दोबारा से बची हुई सोयाबीन को भी ऐसे ही पीसेंगे। ऐसे ही कपड़े की सहायता से फिर दूध छान कर अलग करेंगे। फिर हमने सारा दूध छान के अलग कर लिया है। ये हमारा सोयाबीन का दूध निकल गया है। 250 ग्राम सोयाबीन में लगभग 2.5 लीटर पानी ऐड करके हमने ये दूध बनाया लगभग। अब हम इस दूध को उबलने के लिए गैस के ऊपर रखेंगे। गैस ऑन करेंगे और दूध को उबलने के लिए रख देंगे। हमें 20 मिनट के लिए इस दूध को उबालना है और दूध के ऊपर जो ये झाग आ गए हैं, हमें इनको दूध से अलग करना है क्योंकि इसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं होता है। चम्मच की सहायता से इस झाग को अलग निकाल लेंगे। जैसे जैसे दूध उबलेगा इसके ऊपर झाग आते जाएंगे, हमें वो चम्मच की सहायता से हटा के अलग कर लेने हैं। ये हमारा 2.5 लीटर के करीब दूध बनकर तैयार हो गया है। लगातार इसे चलाते रहेंगे क्योंकि ये नीचे लगने लग जाता है। हमारे दूध को उबलते हुए 20 मिनट हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। कुछ दूध हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और बाकी से हम पनीर बना के तैयार करेंगे। पनीर बनाने के लिए हमें दूध का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाने देना है। बहुत गर्म दूध से तो नहीं बनाएंगे। 4 से 5 चम्मच के करीब विनीगर लेंगे। इसमें 4 से 5 चम्मच ही पानी डालेंगे और दूध में डाल देंगे। हिलाते हुए दूध को चलाएंगे। लगातार चलाते हुए देखिए हमारा सोयाबीन पनीर पानी दूध से अलग हो गया है पनीर। अब एक कपड़े की सहायता से पनीर को छान लेंगे। इसका सारा पानी निचोड़ के अलग कर देंगे। अब एक ठंडे पानी का बर्तन लेंगे, उसमें पनीर को डिप करेंगे ताकि इसका टेम्परेचर कुछ कम हो जाए और हाथ की सहायता से निचोड़ के इसे आधे घंटे के लिए किसी भारी चीज़ के नीचे दबा के रख देंगे ताकि हमारा पनीर सेट हो जाए। जो ये पनीर बनाने के बाद पानी बच गया है, आप इसे सब्जी बनाने में या आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जब तक हमारा पनीर सेट हो रहा है, हम सोयाबीन का हलवा बना के तैयार करते हैं। जो दूध निकालने के बाद जो सोयाबीन बचा था, हम उसी से हलवा बना के तैयार करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए
भूनेंगे। 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें घी डाल देंगे। घी डालने के बाद लगातार इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे लग जाता है तो इसलिए चलाते रहें इसे। लगभग हमें 10 मिनट तक इसे घी के साथ ही भूनना है, क्योंकि अगर ये कच्चा रहेगा तो इसका टेस्ट खाने में अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसको अच्छे से भून लेना है। देखिए इसे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा सोयाबीन अच्छे से भुन के तैयार हो गया, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें 1 गिलास के करीब गर्म पानी डाल देंगे। लगातार चलाते हुए, जैसे सूजी का हलवा बनाते वक्त हम चलाते हैं, वैसे ही इसे पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये पहले से कुछ गाढ़ा हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और अपने हलवे को सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। हमारा पनीर भी सेट हो गया है, उसे भी निकाल लेंगे और पीसेस में काट लेंगे। ये लगभग 300 ग्राम सोया पनीर बनके तैयार हो गया है। देखिए एकदम मार्केट जैसा सॉफ्ट पनीर बना है, सोयाबीन पनीर, सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन हलवा। ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ 250 ग्राम सोयाबीन से बना के तैयार की हैं।